गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट पेज ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो एंड सब्सक्राइब इट, ताकि आप हमारी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को भी इंजॉय कर सकें। तो गाइस, बगैर टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने देख लेंगे कैसे हम कंटेंट पेज को ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जो आपकी हेडिंग्स है डॉक्यूमेंट की, उसको आपने इन फॉर्मेटिंग की मदद से उनको हेडिंग्स बनाना है। ये आपने मैनुअल वे में नहीं करना कि आप खुद ही इसको पकड़ के इसका साइज बड़ा कर दें और इसको बोल्ड कर दें, उसको आप हेडिंग कंसीडर करना शुरू कर दें। आपने ऐसा नहीं करना। अब हम देखते हैं कि हमने हेडिंग्स कैसे बनानी है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जिस लाइन को हेडिंग बनाना है, जिस लाइन को आप कंटेंट पेज के अंदर ऐड करना चाह रहे हो, उसको आपने ऐसे करके हाईलाइट कर लेना है, पूरा चूज़ कर लेना है। और यहाँ से आके आपने चूज़ कर लेना है कि ये आपकी हेडिंग नंबर 1 है, यहाँ पे हेडिंग नंबर 2 है, यहाँ पे टाइटल है। ये मेरी इंटर्नशिप रिपोर्ट है तो ये मेरा टाइटल है, इसलिए मैंने इसके ऊपर टाइटल के ऊपर क्लिक कर लिया। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको हम मिडल में कर लेते हैं, ठीक है। सेम वे के अंदर ये एक्नॉलेजमेंट जोन सी है मेरी हेडिंग नंबर 1 है, तो मैंने इसको हेडिंग नंबर 1 कर दिया। अब हेडिंग नंबर 1 और हेडिंग नंबर 2 के अंदर ये गैप है कि हेडिंग नंबर 1 मेन हेडिंग होती है और हेडिंग नंबर 2 इस हेडिंग के अंदर आने वाली हेडिंग सब हेडिंग होती है। अब मेरे इस डॉक्यूमेंट में मेरे पास कोई भी सब हेडिंग नहीं है, तो इसलिए हम सारी हेडिंग्स को हेडिंग नंबर 1 कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने सारी हेडिंग्स को हेडिंग नंबर 1 करना शुरू कर दिया। ऐसे आपने चूज़ करके सारी हेडिंग्स को हेडिंग नंबर चूज़ कर लेना है और उसको मतलब हेडिंग्स बना देना है, ठीक है। अब ये मेरी सारी जो सी हेडिंग्स हैं उनको मैंने यहाँ फॉर्मेटिंग के थ्रू हेडिंग्स में ऐड कर लिया है। आपने अब आना है अपने ये रेफरेंस के टैब के ऊपर। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रही होगी टेबल ऑफ कॉन्टेंट की। इस स्टेप के बाद आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने सबसे शुरू में जहाँ आप अपना कंटेंट का टेबल डालना चाह रहे हो, जिससे पहले आपने वहाँ अपना ये कर्सर, अपना ये जो ब्लिंकिंग एरो है, ये आपने वहाँ प्लेस कर लेना है। और फिर आपने आना है अपने टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर और इसको नीचे ओपन करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ढेर सारी टाइप्स आ रही हैं कि किस तरह का हमने बनाना है। अब आप अपनी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, इसमें हेडिंग नंबर 1 के बाद एक लंबी सी लाइन आएगी, फिर उसके बाद हेडिंग नंबर 2 होगी। हमारे पास तो हेडिंग नंबर 2 है ही नहीं, तो इसलिए हमें फॉर्मेटिंग का इतना नहीं देखना पड़ेगा, तो हम एक सिंपल सा क्लासिक सा चूज़ कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा टेबल ऑफ कॉन्टेंट जो है यहाँ ऐड हो गया है, ये हमारे पेज नंबर्स के साथ हमें शो कर रहा है। इस तरीके से आप जो है किसी भी टाइप का टेबल ऑफ कॉन्टेंट बना सकते हो। इसको आप क्लिक करके अपने अगले पेज पे ले जाओ। खैर, ये तो हमारी छोटी फाइल थी, इसलिए इसके अंदर इतना छोटा सा टेबल बना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर आप इस टेबल को मैन्युअली बनाने लगो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। सबसे पहले आप देखोगे कि कौन सी हेडिंग किस पेज पे आ रही है, फिर आप उसको ड्रॉ करना शुरू करोगे। तो ये एक सिंपल सा वे है जिसकी मदद से आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डाल सकते हो। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है, काइंडली गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।